बनवा चाहे गुड़ धनिया हो द्वारे आयल बनिया लैला दहनियो सौदा हो द्वारे आए बनिया लैला हर्रा बहर्रा करीबा नो सौरिया ही का मसाला शेख जी राम राम जय राम जय राम। का भैया जहरीला ठीक है सेठ जी तोरे घरे के रहे का करे सगरा सुंदरपुर। अच्छा अच्छा आपका कमरा दरवाजा बंद रहा जाना तक भैया दिन में हम भंवरी में रही था एक बंडल बीड़ी एक माचिस बीड़ी माचिस बीड़ी माचिस। अरे मोर भैया बीड़ी माचिस नहीं ना सब कुछ ले बचवा एक पाँच चीनी दे दिया 50 ग्राम चाय पत्ती बस ये नहीं ना सब कुछ ले यही यो नहीं बा नहीं 1 किलो चीनी दिया 1 किलो छोहरा 1 किलो बादाम 1 किलो मुनक्का का होए भैया हमारे मेहरारू कमजोरा ये है तई। अच्छा ओका दूधे में चुराई के पीस उस का खियावे के हाथ तगड़ा जा तू है बौखली जो ने इतना खर्चा करा था अब किया सड़वा में खाड़ा लड़ा दिया तगड़ा जा भैया ओका खाड़ा लड़ाई कहो वह दिन 1 किलो गुड़ दिया तौल के हम लग गए घरे हमारे मेहरारू तौले। अच्छा तो तीने पाँव कहे भवा शेर के तीन पाँव शेर के तीन पाँव कैसे भवा ये बतावा नगद लग रहा है उधार रोज नगद लेते है एक दिन उधारे ले है कौन वजह है तो सब दिन दाढ़ी बराबर रही एक दिन कमाई हो गई तो का करी बताओ नहके हम तोहरी दुकानिया पौबे भे निर्बसिया राम का कहे तोहरी दुकान में तो खाने पर हम निर्बसिया राम जैसे जला जा रहे मारब धड़किन जाबे वही रहबे निर्बसिया सही कहता है पीछे पीछे सबे कहा जी कि सेठ बनवारी लाल के इतना धन दौलत भरा है लेकिन एक औलाद रही ना इनके मुंह देख पाप है हे प्रभु ई मोहे के कारिक कैसे छूटे मालिक है रुलाता तो मेरे भगवान को औलाद के खातिर रुलाता तो मेरे भगवान को औलाद के खातिर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मंगल सिंह मेरे भाई को मारा है और मैंने कसम खाया कि जब तक मंगल सिंह तुम्हारा खानदान नहीं मिटाऊंगा तब तक सूरज नहीं निकलेगा ये ठाकुर राज बहादुर सिंह की कसम और प्रतिज्ञा है। राम लखन कम हियर जी हाँ सरकार देखा राज बहादुर सिंह का खेल जी हाँ बाबू साहब मेरे भाई को मार कर मंगल सिंह पहुंच गया है जी जेल पहुंच गया तुम जाओ मंगलवा के घर जी हाँ ये तुम्हें पता करना है कि मंगल सिंह के दो मासूम बच्चे हैं जी हाँ और उसकी पत्नी है जी हाँ ये देखो रात में कहाँ सोते हैं ये तुम्हारा काम है जाओ बहुत शीघ्र आ रहा हूँ पता करके मुझे सूचित कीजिए मंगल सिंह तुम्हारी मौत ठाकुर राज बहादुर सिंह के हाथ जितनी बात मैं कह रहा हूं बिल्कुल यथार्थ है अगर ऐसा न किया
मंगल सिंह का खानदान ना मिटाया तो मेरे जीने का सवार वक्त का इंतजार कीजिए, बात में पास सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर राज बहादुर सिंह का ऐलान। क्या भगवान मेरे पद को सजा हो गई, उन्हें आजीवन कारावास हो गया, अब वापस नहीं आएंगे वो। मेरे पद ने कहा कि जो मासूम बच्चे छोटे छोटे इन्हें कभी अपनी आँखों से तुम दूर नहीं करना और हमारे ठाकुर खानदान की लाज बचाए रखना। या मालिक मेरे नसीब में क्या लिख दिया कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, किसके द्वार जाऊँ और किससे मदद मांगूँ भगवान। लेकिन हो सकता है मेरे नसीब में लिखा ही होगा ये अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, हंसता है, कोई रोता है कोई हंसता है, अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। दिसाई तेरे वाले किसी को दिसाई, कोई पी करे कोई पी करे अनजान होता है, अपना अपना नसीब होता है। वक्त बिगड़े पे ओ वक्त बिगड़े पे कौन होता है, अपना अपना नसीब होता है, ओ अपना अपना। देख करी के अकील रोता है, अपना अपना नसीब होता है। क्या भगवान मेरे पत ने कहा कि हमारे ठाकुर खानदान की लाज बचाए रखना और इन बच्चों को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना, अब तो इन्हीं बच्चों के सहारे बनना जीना है। मैं चलकर किन बच्चों को सुला दूँ, इसके बाद कुछ खाने पीने की व्यवस्था बनाऊँ, नहीं तो बच्चे दूध नहीं पाएंगे तो बहुत रोएंगे।
तो मैं किससे मदद मांगूंगी, किसके द्वार जाऊंगी। अब मैं चल रही हूँ बच्चों को सुला दूं कि अपना अपना नसीब होता है। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली कि मंगल सिंह की पत्नी और मंगल सिंह के दोनों मासूम बच्चे कहां से। बाबू साहब आ गया मैं पता करके। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा पूरा हुआ या नहीं? पूरा हुआ बाबू साहब। क्या देखा? मंगल सिंह की पत्नी घर में है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं? जी हाँ। और उसकी पत्नी घर में? घर में। एक काम करो तुम। जी हाँ बाबू साहब। तुम जाओ मंगलवा के दरवाजे पर, मंगलवा का नाम लेके पुकारो। और आप? मैं वहीं छुप जाऊंगा, जब उसकी पत्नी दरवाजा खोलकर बाहर आएगी तो मैं उससे मिलूंगा। ठीक है। जाओ साला। मंगल सिंह के मकान के पास पहुंच गया हूं, अब यहीं से आवाज लगाएंगे। अरे मंगल सिंह, अरे मंगल सिंह, कौन है? कौन बोल रही हो? मैं की पत्नी हो तो बाहर निकलो। कौन है तुम? मैं उनकी पत्नी हूँ, बात क्या है? बाबू साहब आए हुए हैं। कौन बाबू साहब? आपके सामने आ रहे हैं, जानिए पहचानिए, समझो बुझो। समझो बुझो। आगे बाबू साहब। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तुम्हारा प्रेमा देवी है। प्रेमा देवी? हाँ। मुझे पहचानती हो? नहीं, मैं आपको नहीं पहचानती बाबू साहब। मुझे नहीं पहचानती हो? जी नहीं। जतन सिंह को जानती हो? जतन सिंह? हाँ, उस कमीने को जानती हूँ। वो कमीना मेरी ननद की लाल लूटा, वो बेचारी दुनिया चली गई। मैं उस कमीने का नाम जानती हूँ, पर उसे देखनी थी बाबू साहब। हाँ, उस कमीने का नाम जानती हो पर देखी नहीं हो? नहीं भाई साहब। और मेरा छोटा भाई है। आपका छोटा भाई? हाँ, और मेरा सुबनाम ठाकुर राज बहादुर सिंह है, जिसके भाई को मंगल सिंह तलवार से मारा था काली लागी। आओ, तुम्हारी मौत ठाकुर राज बहादुर सिंह याद है? प्रेमा जी, क्या है? आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। लेकिन बाबू साहब मेरी क्या गलती इसमें? तुमने तो काली नागिन हो, जब ठंड उठाओगी तो तुम जरूर डसोगी। नहीं बाबू साहब। मेरी दुश्मनी का प्रेमा जी देख लिया है। मेरी दुश्मनी का प्रेमा जी देख लिया है खैर, और मार कर मेरे भाई को जी पहुंच गया है खैर, मेरे भाई को। मेरे भाई को मार कर जेल पहुंच गया है प्रेमा है? याद है? मारा मेरे भाई को, सबक तुझको सिखाऊंगा। मारा मेरे भाई को, सबक तुझको सिखाऊंगा, और थाली आज है दिल में तेरी हस्ती मिटाऊंगा। लगी है चोट दिल में, सबक तुझको सिखाऊंगा, और मिटा कर खालूंगा तेरा घर, अब जलाऊंगा तेरा घर।
चढ़ाकर खानदान तेरा घर चलाऊंगा। आज चला खूब चला आज कौन बचाएगा? क्या मेरा भाई नहीं था जिसे मंगल सिंह तलवार से मारा था? पार ताली दादी चल मेरे भाई को मार कर ओ साला जेल पहुंच गया है। आज तेरे ये कौन बचाएगा रे? यहाँ भगवान की दुहाई नहीं है, यहाँ ठाकुर राज बहादुर सिंह की दुहाई है। साला या भगवान बाबू साहब नहीं सिक्का दरीज अभी मुझ पे था जुर्म नहीं है प्रेमा इंसाफ है जुर्म नहीं है नहीं सिक्का दरीज अब मुझ पे था अभी मुझे बेटा नहीं इस कदरीत अभी मुझे बेटा अभी मुझे बेटा कदम चूमती हूँ ना करी को जरा ये इंसाफ बेइंसाफ आज तेरी मां ठाकुर राज बहादुर सिंह है और साली गरीब बदली हूँ कुछ दिखाओ कुछ दिखाओ सताई बहती हूँ ना ज्यादा सताई बहुत हो प्रेमा सताई बहुत हो नहीं अब सताओ हराम जानी क्यों मेरा भाई नहीं था उससे प्यार नहीं था जिसे मंगल सिंह तलवार से मारा था सताई सताई बहुत हो नहीं अब सताओ है सताई बहुत हो तुम हम तुम्हें रहम कर दूं अगर तुम्हें रहम किया तो मुझसे नीत ठाकुर कोई पैदा नहीं है। प्रेमा जी आज तेरा घर जलाऊंगा आज कौन बचाएगा हाल राम लखन इधर आओ क्या हुक्म है जाओ मंगलवा के घर में आग लगा दो क्या देखता है ऐसा हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही अभी इतमाद मेरे घर में आग मत लगाना भैया इधर आ मत लगाना चल
लेखों का पालन करो। मंगलवा के घर में आग लगा दो और चला के राख कर दो। जली को वाक कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। उसमें से जो बारूद निकलती है उससे बेसनाक कहते हैं। हम सांप जिस पर फन फाया हम उसको साले को डस लिया। बाबू साहब एक बात कहेंगे आपसे। एक नहीं दो लेकिन मतलब की बात करना। आज 15 अगस्त है बाबूजी। हाँ 15 अगस्त। हाँ बाबू साहब आज 15 अगस्त है। आज दिन अपना भारत देश आजाद हुआ है। ठीक है आज किसी के घर मत उजाड़िए बाबू साहब। और मेरा भाई कब मारा गया है? शिवरात्रि के दिन। जी हाँ। और मैंने कसम खाया हूँ कि जब तक मंगल सिंह तुम्हारा खानदान नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं है। आज 15 अगस्त है इसलिए मंगल सिंह का घर जला रहा है। इसलिए मंगल सिंह का घर जलाया जा रहा है कि ताकि राज बहादुर सिंह का नाम इतिहास में और हो। ठाकुर राज बहादुर सिंह अपने भाई का बदला चुकाया 15 अगस्त को उनका भाई मारा गया शिवरात्रि के दिन। मैंने क्या बुरा कर रहा हूँ? मेरे हुक्म का पालन करो। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। क्या बोला? हाँ भैया तुम क्या बोला? जाएंगे लगाएंगे आग लगा दो लगा देंगे घर जला दो खलिहान जला दो। दो मासूम बच्चे जो सो रहे हैं उन दोनों को आग में फेंक। जा रहा हूँ इसी वक्त जा रहा हूँ। और इस चुड़ैल को प्रेमा को भी आग में फेंक दो। जब ये तीनों जल के राख हो जाएंगे तो मेरे भाई जतन सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेमा आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आओ आज तेरी पुकार सुनेगा तो सिर्फ ठाकुर राज बहादुर से और तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आओ या भगवान मेरे बच्चे घर में सो रहे हैं मेरे घर में आग लगवाने जा रहे हैं। कौन भगवान जाएगा? कौन राम? वही राम जो अपनी सीता की लाज उस रावण से नहीं बचा सका। वही राम जो अपनी सीता की लाज उस रावण से नहीं बचा सका। अपनी हिफाजत तो नहीं कर सका तो आज तुम्हारी लाज बचाने राम आएगा। अगर वो हराम ज्यादा मुझसे दुश्मनी किया तो मेरे हाथ से मारा जाएगा। कहाँ है राम तेरा? बुलाओ उस राम को। कोई आवाज नहीं करेगा। जा लगा दो आग। गांव वाले सुन लो ये ठाकुर राज बहादुर सिंह की पहली शतरंग की चाल है। मंगल सिंह मेरे भाई को मारा है इसलिए मंगल सिंह का घर जलाया जा रहा है। अगर कोई आवाज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाओ गांव अगर शोर करोगे तो बम फेंक दूंगा। ठाकुर राज बहादुर सिंह की चाल है। मंगल सिंह मेरे भाई को मारा है इसलिए मंगल सिंह का घर जलाया जा रहा है। आवाज नहीं होगी। साला कुत्ता। या भगवान मेरे घर में तो आग लगा दिया। मैं खिड़की के रास्ते अपने बच्चों को लेकर भाग आई। मेरा घर चल रहा है। मैं आज कहीं बहुत दूर भाग जाऊं नहीं तो हो सकता है कि पीछा कर लेगा मेरे बच्चे की जान ले लेगा और मेरी भी जान ले लेगा। मैं यहाँ से जाऊँ भाग जाऊं कोई दिखाई नहीं दे पा रहा है। जाती हूँ मैं यहाँ से। हे भगवान
अब यह मन कहा था कि बड़कई नहरिया में बूढ़ भरा है कि मरिए जौनी में जाते हम कहता है वह निर्वसिया जाता है। अरजिया 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 प्रभु सुन लेता हमारी तो अरजिया प्रभु सुन लेता सुना सुना लागेला हमरा भवनवा सुना सुना लागेला हमरा भवनवा बोलिया मनाही मोरे एको ललनवा नवरिया नवरिया हे नवरिया प्रभु के लगावतू नवरिया प्रभु के लगावतू नवरिया हे भगवान हे भगवान ठीक है लड़का क्यों दिखातो नहीं ना है इस लड़का ही फरार हो गया है भगवान हम तो एक लड़किया खाती तरसत ही अहिया खेते मेड़े बहाय बहाय भागता है भगवान धन्य प्रभु माया तुम्हारी अपरंपार है अभी लड़किया के ले जाते ही जियाओ खियाओ बड़वार हो जाए हमारे बुढ़ाई का सहारा बने मेरे मालिक तू कितना दयालु मेरे मालिक तू कितना दयालु मैंने मांगा जो मिल गया है मैंने मांगा जो दयालु मैंने मांगा जो मिलता है मैंने मांगा जो वो मिलता है बरसों से इस में जिंदगी में खुशियों का गुल ही गुल खिल गया है बरसों से इस में का गुल ही गुल खिल गया है चली भैया नहीं तो देखत हुई है तो कही है कि वाह सेठ बनवारी का देला चुराए भाग जाता ये लड़का रोवत रहा हम आवाज सुन के दौड़ावत है और लड़का तुले के भगा जाता है अरे मोर भैया कहाँ चला गया है आपन लड़कुआ छोड़ के है लड़का हमारा न हो तो हर नवा यहाँ कि चिल्लात रहा लड़का आवाज सुन के हम दौड़ावत है लड़का हमका दे काहे तो का दे हमका लड़का बताई काहे भाई तू का करबे यार अब तू का करबे ए लड़का खम खिया जिया ले तू जियो बे खियो बे चुप रहा राजू तू खुदे खा बिना मरत है का जियो बे खियो बे हमका न देबे ना अभी लड़का के समझ ला कि भाग्य खुल गया लॉटरी खुल गया जान ले सेठ बनवारी लाल के घरे पहुंचता है अगर सात पुष्ट तलक बैठे बैठे खाइए तो धन दौलत चुके वाला नहीं हमका ना देवे अगर लड़का ना तो बाजार बाजार गांव गांव पोल खोल दे का कौन पोल खोल बे पोल का मतलब बता दे कि बनवारी लाल सेठ लड़का पाए हैं परुआ है नहीं भैया क्यों से बता जी मुन्ना तो का बहुत बढ़िया चीज खिलाओ तो हमका कुछ खियावा तो का गुड़ खियाओ भेली भेली खियाओ तो घाटा लागे तो का चूरे चूर खियाओ अगर चुरवा खियाओगे तबो न हम कस बताऊ न पोल खोलब भैया कसो सेठ है इस लड़के के तो बीचों बीच सीने पर शंकर भगवान का त्रिशूल बना हो बहुत भाग्यशाली लड़का है हाँ सेठ है हाँ ये बताओ इनका नाम का रखी इनका नाम
परुआ पाए है परमोद नहीं बहुत झंझटी ना हो तो पंडोही पंडोही नहीं तो कहा नर्दवा नाम धरा बहन तो फिर उनका का नाम रखिए आप नाम बड़ा सुंदर नाम बड़ा कोमल नाम विनोद कुमार सुत बनवारी लाल सेठ हाँ नाम ठीक है सेठ हाँ चली ना आज बड़ी खुशी की बात बात है और जियर आनंद हो जाए हो जब ललुआ खेल अपने लाल का झुलिया भी दे अपने लाल का झुलिया भी दे ओहो माँ फुलरा लगवाई दे जब ललुआ खेल को मालूम हो मंगल सिंह का घर जलवा दिया दोनों मासूम बच्चे जलकर राख हो गए ये मेरी समझ के बाहर है कि आग से प्रेमा क्यों बच गई दोनों बच्चे तो जलकर राख हो गए ओ साली बच गई प्रेमा जी आग से बच गई हो लेकिन ठाकुर राज बहादुर सिंह की बंदूक की गोली से तुम नहीं बची अगर तुम्हें दौड़ा के गोली ना मारा साली मेरी माँ का दूध हराम है भाग साली जहां भागना हो ये मुझे देखना है तो पनाह कहां लो सौ लोग करानी गांव के निवासियों अगर प्रेमा को किसी ने पनाह दिया दरोजे बिछाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं काफी दूर भाग गई अब यहां पे नहीं आएगा वो अरे मैं तो दोनों बच्चों लेकर चली थी वहां से एक बच्चे मेरे क्या हो गया कहां ही गया भगवान या मुन्ना प्रेमा जी अरे रुक जाओ अगर भागने की कोशिश करोगे तो मैं गोली मारूंगा नहीं समझ करना तुम या भगवान ये तो मेरे पीछे लगा हुआ है मेरी जान ले लेगा मेरे बच्चे क्या होगा कोई भी ले लो मेरे भैया मेरे बच्चे को ले लो बचा लो कोई भैया बचा लो इसे रुक जाओ बचा लो बचा लो रुक साली कहां भाग कर जाओगे भाग भाग कहां तक भागना हो हम तुम्हें भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान दूंगा प्रेम जी जब तुम दौड़ते दौड़ते पस्त हो जाओगे जब सर उठा के देखोगे तो सामने ठाकुर राज बहादुर सिंह की दीवार होगी अगर तुम्हें दौड़ा के गोली ना मारा मेरी मां का दूध हराम है भागना है तो भागो तुम्हारी मौत ठाकुर राज बहादुर सिंह बचा लो मेरी मुन्ना को नहीं मार डालेगा भैया मुन्ना को बचा लो कोई या भैया कोई नहीं मर गए साली देखा खेल ठाकुर का वो साला जेल पहुंच गया दोनों बच्चे जल गए इसको साली को दौड़ा के गोली मारा जहर जलता है जहर जलता है तो जलने दो ये आग मैंने लगाई है लोग मरते हैं तो मरने दो ये ठाकुर राज बहादुर सिंह की खुदाई है अभी क्या देखा आप देखोगे पुलिस जी सर
इसको खड़ी कर कौन रास्ते में सोच रही जल्दी खड़ी कर साहब इसकी गोली लग चुकी है वो गोली लग गई है जिंदा वो कौन गोली से मारे इसको मालूम नहीं साहब छोड़ साहब वो मार कर फरार हो गया जी साहब पता लगा हम उसकी खटिया खड़ी कर देंगे कौन मार कर छोड़ साहब जी साहब तो मंगल सिंह की औरत है मंगल सिंह की औरत है जी साहब वो इसके निशान देखिए वो इसके कपड़े जले हैं इसके सर का बाल जला है साहब किस हराम ज्यादा ने इस बेचारी को गोली से मारा जी साहब बहुत बुरा किया देखिए साहब विश्वकर्मा जी जी साहब वर्मा जी यस सर चौकीदार जी छोटे साहब ऐसा कीजिए जी साहब पहले लाश जो है कोतवाली ले चलिए ठीक है ना जी साहब और बाद में पोस्टमार्टम है शहर अहमदाबाद भेजी जाए यस सर ठीक है ओ वर्मा जी विश्वकर्मा जी जी साहब ये लाश को जल्दी उठाओ कोतवाली ले चलो पकड़िए साहब वर्मा जी भरे साहब बड़े ताजुब की बात के देहात में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं कि औरत को गोली मार कर फरार हो जाते हैं यही तो पता नहीं चल रहा है कि किस हरामजादे ने इस बेचारी को गोली से मारा है जी साहब साहब बच्चे की आवाज ओ बच्चे की आवाज आ रही है देखो जल्दी देखो बच्चा देखो जल्दी साहेब मंगल सिंह का बच्चा देखो इसके सीने पर शंकर भगवान के त्रिशूल का निशान बना हुआ है बना हुआ है त्रिशूल बना लेकिन मंगल सिंह के दो बच्चे थे देखो दूसरा बच्चा देखो दूसरा बच्चा देखो देखो एक दूसरा बच्चा देखो एक बच्चा हो यहीं पर होगा देखो देखो वो चारों तरफ दौड़ो वो अगल बगल देखो दूसरे बच्चे को साहब दूसरा बच्चा नहीं दिखाई पड़ रहा साहब दूसरा बच्चा नहीं मिल रहा नहीं साहब नहीं वो पता लगाया जाएगा लेकिन बड़े साहब बोले क्या बात है साहब सोचिए इसकी माँ मर गई मंगल सिंह जेल में है अब इस बच्चे क्या होगा साहब क्या होगा चौकीदार पहले इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके चलिए जी साहब जब इसका पहले इलाज होगा जी उसके बाद बच्चा अनाथालय पहले चौकीदार जी साहब मुझे लाओ छोटे साहब जी साहब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पास एक लड़की के सिवा दूसरी औलाद नहीं है जी साहब उसी लड़की का जन्म होते ही हमारी वाइफ का देहांत हो गया उस वक्त मैं ड्यूटी पे था जी साहब अपनी दूसरी शादी भी नहीं किया इस बच्चे को पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ अब इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपनी तरह से इसे एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे ओ बहुत अच्छी बात साहब बहुत अच्छी बात साहब ओ लेकिन साहब एक बात है साहब वो बाई चांस ये लड़का थाने में आएगा साहब तो हम इसका नाम लेके क्या पुकारेंगे साहब इसका नाम तो कुछ होना चाहिए जी साहब छोटे साहब आपने बहुत अच्छी बात पूछी आज से इस बच्चे का नाम हम प्रकाश बाबू रखते हैं इसी नाम से इसका स्कूल में नामनेशन कराएंगे और इसी नाम से एक दिन ये पुलिस इंस्पेक्टर होगा जी साहब तो बहुत अच्छी बात साहब बहुत अच्छी बात साहब एक बात करना छोटे साहब जी साहब कल मंगल सिंह की तारीख है जी कोर्ट में चले जाना और देखना कि मंगल सिंह के केस में क्या हुआ ठीक है साहब चौकीदार जी दा जो हादसा हुआ है जी दा इसे किसी पत्रकार को हाँ फोटोग्राफर से फोटो और पत्रकार से मिलकर के साहब पोस्टमार्टम के बाद साहब चौकीदार जी चौकीदार ये फोटोग्राफर को बोला रहे इसकी फोटो ले लेगा यस सर उसके बाद में हम रिपोर्ट लेके लिख के देंगे जी और पत्रकार को दे देंगे ठीक है साहब मैं चल रहा हूँ चले साहब चले साहब चौकीदार जी साहब बड़े ताजुब की बात है जी वो बड़े साहब के पास को एक लड़की थी यस सर वो लड़का कोई नहीं था नहीं साहब वो लड़की को पाकर साहब बहुत खुश हुए यस सर तो चौकीदार हमें जानना चाहता है जी वो देहात में दरोगा के लड़का नहीं पैदा होता है का साहब आपके ही इंग्लैंड में दरोगा का लड़का होता का वो दरोगा के घरवाली के लड़का होता है तो का ही हमारे दरोगा का लड़का होता है हम भी समझता है जी वो जैसे वो दरोगा साहब के लड़की पैदा हुई यस सर तो लड़की के बजाय लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ साहब एक तो आपसे ऊपर जाग पर पूछे इसको पूछते हम भगवान के यहाँ जाएंगे साहब क्या बात है साहब हम घर जाते हैं घर जा रहा है जी साहब वो कुछ दिन के बाद चले जाना नहीं साहब हमारे जब हम ड्यूटी आवे आगे ना हमारे मेहरारू कहा बेटवा जल्दी चला आया देखिए साहब
वो तुम्हारी मेहरानु तुमको बेटवा कहती है? नहीं नहीं नहीं, बेटवा के बाबू जल्दी चला आया। तुम ऐसा कैसे बोलता? क्या बात है साहब? बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम है जी? क्या बात है साहब? जाते ही घरे बकरी बद्दी कराओ। वो वर्मा जी, वो देहात में बकरी बद्दी होती है कि बकरा बद्दी होता है? साहब इसका दिमाग खराब हो गया। छुट्टी नहीं मिलेगी चौकीदार। छुट्टी नहीं मिलेगी।